हेलो फूडीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, जहाँ पे हम बहुत सारी ट्रेडिशनल रेसिपीज बनाने वाले हैं। और ऐसी रेसिपीज के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हमारी सारी नई रेसिपीज आप तक पहुँचे। तो चलिए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। गर्मी का सीजन आ चुका है, तो हम इसी मौके पर बनाएंगे बटर स्कॉच आइसक्रीम, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतनी ही लाजवाब। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बटर स्कॉच आइसक्रीम के लिए कैरमल क्रंच बना लेते हैं। इसके लिए एक पैन में हम 4 टेबलस्पून शक्कर लेंगे। हमें इस शक्कर को लो फ्लेम पे लगभग 5 मिनट तक चलाते रहना है। इसे कंटिन्यूसली चलाने से ये हल्का सा पतला होना शुरू हो जाएगा। बच्चे और बड़े गर्मियों के सीजन में आइसक्रीम खाना बहुत पसंद करते हैं, तो आप इस रेसिपी को आपके घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये देखिए, लगभग 2 मिनट के बाद ये शक्कर हल्की सी पतली होने शुरू हो चुकी है। हमें इसे फिर से 1 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहना है। 1 मिनट इसे चलाने के बाद आप देख सकते हो हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। तो अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। आप आपके मनपसंद ड्राई फ्रूट्स का यूज़ इसमें कर सकते हो। इन ड्राई फ्रूट्स को हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसे सेट कर लेते हैं। सेट करने के लिए एक प्लेट में मैंने हल्का सा घी लगा लिया है। अब हमने बनाया हुआ ये कैरमल क्रंच इसमें डालेंगे। अब हमने बनाया हुआ ये कैरमल इस प्लेट के ऊपर स्प्रेड करेंगे। इस प्लेट को घी लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज ये कैरमल इस प्लेट को चिपक जाएगा। इसे अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। तो लगभग 10 से 15 मिनट हमने इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कितने इजीली ये प्लेट से निकल रहा है। अब हम इसे हल्का सा तोड़ लेंगे। तो अब मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ, आप देख सकती हो ये कितना क्रंची बना है। तो इस कैरमल क्रंच को मैंने एक पॉट में ले लिया है। अब हम इसे अच्छे से कूट लेंगे। हमें इसे मिक्सर में ग्राइंड नहीं करना है, अदरवाइज ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। और हमें ये कैरमल क्रंच छोटे छोटे पीसेस में चाहिए, इसीलिए हम इसे अच्छे से कूट लेंगे। तो ये कैरमल क्रंच बनके रेडी हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आइसक्रीम बनाने की तरफ। आइसक्रीम बनाने के लिए एक मिक्सिंग जार में हम 1 बाउल क्रीम लेंगे। आप आपके मनपसंद ब्रांड की क्रीम यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर अवेलेबल हो तो आप बीटर की हेल्प से इस क्रीम को बीट कीजिए। तो ये देखिए, मिक्सर में ग्राइंड करने के बाद ये हल्की सी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून बटर स्कॉच सिरप ऐड करेंगे। अगर आपके घर में बटर स्कॉच सिरप अवेलेबल ना हो तो आप बटर स्कॉच एसेंस का यूज़ कीजिए। और इसे बटर स्कॉच आइसक्रीम का कलर लाने के लिए आप हल्का सा आर्टिफिशियल कलर का भी यूज़ कर सकते हो। इस आइसक्रीम की मिठास बढ़ाने के लिए हम इसमें 3 टेबलस्पून पाउडर शुगर ऐड करेंगे। हम इस बटर स्कॉच आइसक्रीम में शक्कर थोड़ी कम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बटर स्कॉच सिरप में शक्कर होती है। तो अब हम इसे फिर से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद ये मिक्सचर एकदम परफेक्टली बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक कंटेनर में डालेंगे। कंटेनर में डालते वक्त हमें सिर्फ आधा ही मिक्सचर डालना है। आधा मिक्सचर डालने के बाद हमने बनाया हुआ कैरमल क्रंच हम इसके ऊपर डालेंगे। और कैरमल क्रंच इसके ऊपर डालने के बाद बचा हुआ मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे। और फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा कैरमल क्रंच डालेंगे। ये क्रंच आइसक्रीम खाते वक्त बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब हम इसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल लगा लेंगे, ताकि इसके अंदर आइस क्रिस्टल ना बने। अब हम इस आइसक्रीम को 7 से 8 घंटे तक सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। 7 से 8 घंटे के बाद ये आइसक्रीम परफेक्टली सेट हो चुकी है। तो एक स्कूप की हेल्प से हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितने इजीली आइसक्रीम निकल रही है, और इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं बने हैं। गर्मियों में बटर स्कॉच आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और होता है। तो आप आपके घर में इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और इस आइसक्रीम को एंजॉय कीजिए। तो ये एकदम क्रीमी और उतनी ही झटपट बनने वाली बटर स्कॉच आइसक्रीम आपको कैसी लगी, ये हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।